अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वापस आई हूँ और आज मैं अपनी वीडियो को नरेट करूँगी। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपने देखा है कि मैंने एक पिक्चर डाला था। यस, ये इसी डिज़ाइन का स्टेन है और मैं आज की जो डिज़ाइन है ये मैंने बस अपने हाथों में इसलिए अप्लाई किया था, ये समझ लीजिए कि मेहंदी का स्टेन कैसा आता है वो जानने के लिए। सो आई गॉट माय परफेक्ट मेहंदी पेस्ट, कम्प्लीटली होममेड। मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ऐसा डार्क कलर लाना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप वो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप लोगों में से कोई भी जानना चाहता है इस मेहंदी के बारे में तो बोल दो, 100% राजस्थानी मेहंदी से ही ऐसा कलर आ सकता है। मार्केट में आपको बहुत सारी मेहंदी मिलेगी मगर बिना छानी हुई। ट्रिपल फिल्टर मेहंदी बहुत कम ही लोग बेचते हैं और जो बेचते हैं उनको उनके अलग अलग सप्लायर होते हैं और आपको अमेज़ॉन में भी काफ़ी सारे सप्लायर मिल जाएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल दोज कंपनीज और कॉन्टैक्टर्स जिसको बोलते हैं, मगर मैं जो पाउडर यूज़ करती हूँ वो है हेना आर्ट पैशन। और मैं अपनी ब्राइडल्स जो मैं अलग से काम करती हूँ मेहंदी का, उसके लिए मैं वही वाला पाउडर यूज़ करती हूँ हमेशा। और मेरे पास एक और पाउडर भी है मगर मैं ब्राइड पे वही वाला पाउडर लगाती हूँ क्योंकि इसका कलर सिर्फ डार्क ही नहीं आता, एटलीस्ट दो हफ्ते तक तो हाथों में इसका कलर रह जाता है, पूरा डार्क नहीं मगर काफ़ी हद तक रह जाता है। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि जो मार्केट में मेहंदियाँ मिलती है, मेहंदी जब उठने लगती है तो हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि कुछ हमारी बॉडी से कुछ चमड़ी या स्किन जैसे छूट रही हो, मगर नेचुरल मेहंदी होममेड जो होती है उससे ऐसा कुछ नहीं होता। तो होममेड मेहंदी यूज़ करना बहुत सेफ़ है और उससे भी ज़्यादा हमारे हाथों को भी वो नुकसान नहीं देती। तो आप लोग अगर आर्टिस्ट हैं मेहंदी तो घर में मेहंदी पाउडर ला के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इंस्टाग्राम में हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अर्पिता मेहंदी डिज़ाइन एंड आर्ट एंड वन है, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। और अगर मेहंदी और मेहंदी पेस्ट के बारे में आप लोग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे पिंग कर देना और मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूँगी। तो होप आज का वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आया है। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आप लोगों के दिल में है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई देना। तो थैंक यू, मैंने आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से बातचीत की और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये लास्ट में जो मेहंदी का स्टेन मैंने दिया है वो एक्चुअली रियल है और ऐसा ही स्टेन आता है, और कैसे आता है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। शुक्रिया एंड आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अब तक है ना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टाटा बाय बाय, थैंक यू।